हेलो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर का एप्लीकेशन होता है, तो ये जो प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड है, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अपने फ़ोन में प्ले स्टोर का जो ऐप है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीसेट करना है, या तो फिर आप लोग अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए, या तो फिर अपने फ़ोन को आपको जो है टर्न ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है। ओके, तो इन तीनों में से जो भी आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, आप लोग उसको कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करना है। हो सकता है कि अगर आपके फ़ोन में बस बहुत दिनों से सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है और आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, तो आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे जो अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से सेटिंग को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में आना है और मैनेज एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद ना आपको यहाँ पे इस तरीके से प्ले स्टोर सर्च करना है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे आता है तो आप लोग उसको ओपन करिए और यहाँ पे आपको नीचे में अनइंस्टॉल एंड अपडेट का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड अपडेट पे क्लिक करिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।